हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया आबिद अंकुर में। तो LIC ADO प्री एग्जाम की पहले शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो गया था। उम्मीद थी कि पेपर के लेवल की शुरुआत आसान लेवल से देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है। ओवरऑल पेपर ठीक था, लेकिन रीजनिंग और इंग्लिश की बात करें तो इन दोनों सब्जेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स के काफी अच्छे अटेम्प्ट भी देखने को मिले हैं, लेकिन जो मेन फैक्टर देखने को मिला है वो क्वांट का लेवल देखने को मिला, क्वांट कैलकुलेटिव देखने को मिला। काफी सारे स्टूडेंट्स को मॉडरेट भी लगा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके क्वांट में थोड़े से कम अटेम्प्ट हो पाए हैं, लेकिन जिनकी स्पीड बेहतर रही है क्वांट में उनके थोड़े से बेहतर अटेम्प्ट भी देखने को मिले हैं। देखो दोस्तों, जब भी कोई सब्जेक्ट थोड़ा सा मॉडरेट या कैलकुलेटिव आ जाता है ना, वहाँ क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हो सकता है कि आने वाली जो दूसरी और तीसरी शिफ्ट है इसमें भी हमें क्वांट का लेवल इसी तरह का देखने को मिले, तो वहां क्वेश्चन का सिलेक्शन आपको बेहतर रखना है। अब मैंने एक पोल भी कंडक्ट कराया था पहली शिफ्ट में, तो काफी सारे स्टूडेंट्स के 60+ में भी अटेम्प्ट है जिनकी स्पीड थोड़ी सी बेहतर रही है। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी 55 से 60 की रेंज में भी अटेम्प्ट देखने को मिले हैं। फिर भी एक गुड और सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो 55+ अगर आपके अटेम्प्ट है एक्यूरेसी के साथ तो बहुत अच्छे अटेम्प्ट है। बाकी जिन स्टूडेंट्स का LIC ADO का प्री एग्जाम हो गया है तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपके टोटल अटेम्प्ट कितने हुए हैं, सब्जेक्ट वाइज आपके क्या क्या अटेम्प्ट रहे हैं और LIC ADO आपने किस जोन और डिवीजन से अप्लाई किया था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।